हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले आप सभी को पूरे शौर्य भारत परिवार की ओर से होली के इस अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली एक बहुत ही रंगीन कलरफुल फेस्टिवल है, भाईचारे का प्रतीक है। तो इस अवसर पर आई सिंसियरली होप कि होली के जैसे रंग आपके जीवन में भी बिखरे और आपके जीवन के सभी एम्स, मकसद या एम्बिशंस पूरे हों। और स्टूडेंट्स, इस समय आपके लिए है एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जहां आप सभी को पता है कि एयरफोर्स के 12 से 18 जुलाई के बीच जो एग्जाम्स हुए थे उनका अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, प्लस जो नई विज्ञप्तियां आनी थी XY या XY ग्रुप के लिए, उन पर भी जुलाई से लेकर के अब तक रोक लगी है। कोई नई विज्ञप्ति एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड ने जारी नहीं की है। वहीं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन न्यूज है। इंडियन नेवी ने नेवी डबल ए और SSR के जो पद होते हैं उनके लिए अभी हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी की है। और इस विज्ञप्ति के तहत 2500 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिन 2500 में से 200 पोस्ट जो हैं वो SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के लिए हैं और 500 पोस्ट AA यानी कि आर्टिफिशर अप्रेंटिसशिप के पदों के लिए हैं। आइए समझते हैं इस विज्ञप्ति से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन सबमिट होगी। आप यदि ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। AA के लिए यदि आप चाहते हैं तो आपकी 10+2 एग्जामिनेशन यानी कि 12th या सीनियर सेकेंडरी जो आप बोलते हैं वो क्लियर होना चाहिए विद 60% या मोर मार्क्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट। एम आई क्लियर? आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए और फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट के मिला करके आपकी एग्रीगेट परसेंटेज 60+ होनी चाहिए तो आप AA के लिए एलिजिबल हैं। और SSR के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 एग्जाम, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए और सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके फिजिक्स, मैथ्स कंपलसरी प्लस केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट, राइट? एज इस फॉर्म के लिए निर्धारित की गई है, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अगस्त 2002 से लेकर के 31 जुलाई 2005 के बीच में, राइट? अब समझते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट, सिलेक्शन क्राइटेरिया यहां पर सबसे पहले रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट है और उसके बाद में मेडिकल एंड फाइनल मेरिट है। बट रिटन एग्जाम सभी का नहीं होगा, शॉर्टलिस्ट की जाएंगी आपकी एप्लीकेशंस। स्टेट वाइज ये वैकेंसी हैं, तो जिस स्टेट में जितनी वैकेंसीज हैं उसके 4 times यानी कि 4 गुना स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा बस रिटन एग्जामिनेशन के लिए। एम आई क्लियर? जितनी भी स्टेट्स में वैकेंसीज है, सपोज किसी स्टेट में 25 वैकेंसीज हैं तो 100 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। और ये जो एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होंगी ये होंगी आपके मार्क्स के बेसिस पर, और कौन से मार्क्स? फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री या बायो या कंप्यूटर में जो आपके एग्रीगेट परसेंटेज हैं उसके बेसिस पर। और कट ऑफ स्टेट टू स्टेट अलग अलग होगी, ये बात और आप लोग ध्यान में रखिएगा, राइट? नाउ जैसा मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट स्टेप रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। टेस्ट में इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के मिला करके 100 क्वेश्चंस होंगे, चारों सेक्शंस के 25-25 क्वेश्चंस, 1 घंटे का टोटल ये एग्जाम होगा और 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद में है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के तहत 1.6 किलोमीटर का रन है जिसको पूरा करने के लिए आपको मिलेंगे 7 मिनट। उसके तुरंत बाद है 20 स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक, और उसके तुरंत बाद है 10 पुशअप्स, राइट? नेक्स्ट, फिजिकल फिटनेस क्लियर करने के बाद में मेरिट जनरेट की जाएगी
और इस मेरिट के जनरेशन में क्या क्राइटेरिया फॉलो होगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 500 वैकेंसीज हैं, तो 500 वैकेंसीज के अगेंस्ट डबल ए के लिए 600 कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे, और एसएसआर की आपको अभी मैंने बताया था 2000 वैकेंसीज हैं, तो 2000 वैकेंसीज के अगेंस्ट 2500 कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे रिटन और फिजिकल फिटनेस क्वालिफाई करके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा INS चिल्का, राइट? एम आई क्लियर? नेक्स्ट, ट्रेनिंग पार्ट आपका शुरू होगा अगस्त 2022 से। डबल ए के लिए 9 हफ्तों की ट्रेनिंग है और SSR के लिए टोटल 22 हफ्तों की ट्रेनिंग है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, joinindiannavy.gov.in, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 29 मार्च 2022 से और जारी रहेंगे 5 अप्रैल 2022 तक। तो स्टूडेंट्स, बहुत लंबी एप्लीकेशन विंडो नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खुलेगी सिर्फ 8 दिन के लिए, तो लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी आप अपने आवेदन ऑनलाइन करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो रिटन एग्जाम है वो कहीं ना कहीं मई या जून 2022 में संभावित है, हालांकि फाइनल इंफॉर्मेशन नहीं है। ये फाइनल इंफॉर्मेशन एग्जाम की डेट, वेन्यू, टाइम, प्लेस, ये सब आपको एडमिट कार्ड्स के जरिए कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in से, राइट? तो स्टूडेंट्स, जब भी आप फॉर्म भरें, जॉइन इंडियन नेवी पे जाएंगे, उससे पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रखें, फोटोग्राफ स्कैन करके रखें, और फोटोग्राफ ध्यान रखें कलर्ड फोटोग्राफ ब्लू बैकग्राउंड में होना आवश्यक है, राइट? तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस विज्ञप्ति से संबंधित मैंने आपको दे दी है। फिर भी डिटेल्स के लिए वेबसाइट पे जाकर के आप अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और नेवी डबल ए और एसएसआर की बेहतरीन तैयारी के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप देता है आपको ई बुक्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, डाउट बॉक्स, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स एंड पैटर्न बेस्ड लाइव एग्जाम्स। तो ये सभी फीचर्स देंगे आपकी तैयारियों को एक नई दिशा, एक नई धार। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद।